हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समतास किचन। आज हम बनाएंगे वेज दालचा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस मिलती रहें। दालचा बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चने की दाल, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 कप पानी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम कुकर में 2 सीटी आने तक पका लेंगे। हमने चने की दाल को पकाकर एक साइड रख लिया है। अब हम एक फ्राइंग पैन में तेल गर्म कर लेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालकर इसे थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। जब प्याज थोड़ी देर फ्राई हो जाए इसके बाद अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें क्रश किए हुए अदरक और लहसुन डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालकर इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पके हुए चने की दाल डाल देंगे और इसे मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। दालचा अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डाल देंगे और इसे हरे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। हमारा वेज दालचा बनकर बिल्कुल रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।